नमस्कार, मैं हूं तोरण और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। नागपुर में क्राइम दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, पर पुलिस वाले ही क्राइम करेंगे ये चौंकाने वाली बात है। यशोधरा नगर के विवादित थानेदार अशोक मेश्राम द्वारा महिला होमगार्ड से अपने कैबिन में छेड़खानी किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए मेश्राम को तत्काल प्रभाव से कंट्रोल रूम में तबादला कर दिया है। यह प्रकरण बुधवार शाम का बताया जा रहा है। शिकायतकर्ता युवा होमगार्ड को यशोधरा थाने में तैनाती दी गई थी। मेश्राम उसे व्हाट्सएप के जरिए प्रोत्साहित मैसेज भेजता था, इससे होमगार्ड प्रभावित थी। बुधवार की शाम मेश्राम ने उसे अपने कक्ष में बुलाया। बताया जाता है कि लाइनें टिक करने के बहाने छेड़खानी की। होमगार्ड इस वाक्य से भयभीत होकर घर चली गई। होमगार्ड ने अपने सहपाठी को अपनी आपबीती बताई। सहपाठी ने उसे आला अधिकारियों से शिकायत करने का सलाह दी। इस बीच मेश्राम से जुड़े कर्मियों को इसकी भनक लग गई। वह महिला होमगार्ड को शिकायत करने पर अदालत के चक्कर काटने की नौबत आने का बताकर हतोत्साहित करने लगे। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार को प्रकरण का पता चल गया। उन्होंने वायरलेस सेट पर तत्काल प्रभाव से मेश्राम को कंट्रोल रूम में तबादला किए जाने का आदेश दिया। यह आदेश सुनते ही थानेदारों में हड़कंप मच गया।